सुबह सुबह की राम राम जी आप सभी को। एकदम सुबह की मतलब एकदम सुबह नहीं है, इस समय 9 बज रहा है। सुबह उठी थी लेकिन की नहीं, गुड मॉर्निंग तो मतलब सुप्रभात नहीं की, राम राम नहीं की, गुड मॉर्निंग तो करती ही रहती हूँ। देखिए क्या बनाने जा रही हूँ आज, उसको आपको दिखला दूँ। तो आज ये सारी मिक्स सब्जी बनाऊंगी, चचड़ी इसको बोलते हैं। ये गोभी का नरम नरम पत्ता डंठल है, ये लौकी है, ये बैंगन, ये पपीता, ये कोहरा, ये मूली, यह एक आलू, ये सारी चीज़ को मिला के और फिर ये फुला दी हूँ सरसों, इसको पीस लूँगी तो सब्जी बनाऊँगी तो दिखाऊँगी, कटिंग कर लेती हूँ, इसको बॉयल कर लूँगी। ये सारी सब्जी काट ली मैं, सब मूली वगैरह सब कुछ ऐसे बहुत अच्छे से धुल लिए सब, इसको रख देते हैं इधर और ये सब कूड़ा कर देंगे। अब इस सब सब्जी को ना थोड़ा सा इस हल्दी और नमक वाले पानी में भापा लूंगी, पक जाएगा तो अच्छा रहेगा। ये सरसों पीस ली हूँ मैं हल्दी और नमक डाल के, और इधर ये उबल रहा है, उबल ही गया है, करीब करीब पूरा उबालेंगे नहीं, गलाएंगे नहीं बहुत ज़्यादा। मेरा एप्पल खोल रहा है, सब पक गया है। थोड़ा बहुत पानी इसका डाल लेंगे इसी में, जो कोहड़ा भूजी थी ना उसी का तेल का उपयोग करने में टाइम लगता है। ऐसे तो इसमें तड़का ये सूखा लाल मिर्चा से लगाया जाता है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, पचफोरन से तड़का लगा रही हूँ। इसमें बड़ी भी डाला जाता है, उड़द बड़ी बॉइल किया हुआ, इसको डाल देती हूँ। अभी जो पानी है ना थोड़ा बहुत उपयोग कर लेंगे इसका। सरसों पीस ही हूँ अपने अंदाज से, इसमें डालूंगी कि कितना सरसों इसमें चाहिए नहीं चाहिए, जो इसमें लगा हुआ है ना उसका भी उपयोग कर लेंगे इसी पानी से। सरसों हल्का भूज गया, बहुत भूजने की जरूरत नहीं है। तो इतना सरसों बच गया है, इसका उपयोग नहीं करूँगी, ज़्यादा सरसों हो जाएगा तो तकलीफ देगा फिर पेट में भी। कम ही सरसों में इसमें नमक डाल देते हैं अंदाज से, क्योंकि तो ये पानी में भी नमक है ना, मीठा तो मैंने बताया ना अनिवार्य। तरह से ये सब्जी बन ही गई है, इसमें पानी भी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बॉयल हो ही चुका ना, और थोड़ा सा पानी मैं डाल दूंगी, थोड़ा सा पानी डाल के पका लेती हूँ, नमक चख लेती हूँ, सारी चीजें ठीक है। इसको ढक के नहीं पकाऊंगी क्योंकि हर चीज गल चुकी है, देखिए गल गया तो खुला हुआ है, काफी मेरा हो गया बॉयल, अब ये कंप्लीट हो गया, बहुत ही सूखा हो चला, इसको निकाल लेती हूँ, इसको बंद कर देती हूँ। इस पर ये खासियत है कि थोड़ा सा सरसों तेल ऊपर से डाला जाता है, और हरा मिर्चा, लेकिन हरा मिर्चा मैं नहीं डाल रही हूँ। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग,
आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आ गई हूँ आप लोग के लिए दो लाइन लेकर के कि एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो हमको हमारे बारे में सोचने के लिए मदद करे। तो बस आज का दिन बहुत बहुत शुभ मंगलकारी हो। चलिए आगे मिलते हैं। तो दोस्तों फिर से आ गई किचन में और अभी सब्जी आप लोग को दिख रही, लंच के लिए बनाई थी और अब जा रही हूँ नाश्ता बनाने। तो नाश्ता आज सोच रही हूँ कि थोड़ा पराठा ही बना लूँ। आटा रखा है तो दिन से खराब हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, सभी छोटों को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। और मेरा नाश्ता ये आ गया है, रागी की रोटी, रागी ज्वार और आटे की रोटी, मतलब पराठा, थोड़ा सरसों तेल से पराठा जैसा आज बनाती हूँ। मन कर रहा था और कई दिन, दो दिन का आटा भी हो गया था इसलिए। और ये है वही कल की गोभी वाली सब्जी बची हुई थी और आज जो ये सब्जी बनाई हूँ वही दोनों को मिला करके कम्प्लीट कर ली। और ये है चाय मेरी, और बस। और ये है मूंगफली मेरी रात भर की फुलाई हुई, ये सारी चीज़ें, इसके साथ मूंगफली भी है। तो मूंगफली स्पेशली आप लोगों को दिखलाती हूँ, बाकी सब तो सभी लोग जानते हैं। तो दोस्तों जल्दी से खिलाएं नहीं तो पंखा में लाइट चली गई है। इसी सब्जी से खिलाते हैं। अच्छा बना है। सब अच्छा लग रहा है। मसालेदार सब्जी से कौन सी नहीं अच्छा लगेगा। लीजिए गोभी की सब्जी से खाइए। बहुत अच्छा लग रहा। तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और जो लोग भी मेरे ब्लॉग पर न्यू आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और क्लिक करने पर ऑल का ऑप्शन आता है, उस पर भी क्लिक कर लें तो सारे वीडियोस मेरे आप लोग को आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे और मेरा वीडियो फुल वॉच करें। इनसे भी मिल लीजिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग सब अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे। आज रागी ज्वार गेहूँ का पराठा बना है और आलू गोभी की सब्जी सूरज बची थी, वो मस्त लग रहा है। आप लोग भी खाइए, मस्त रहिए। तो दोस्तों मिलती हूँ लंच पे, खाना खाने जा रहे हैं। ये रही हमारी थाली जिसमें हम लोग चचोड़ी से खाएंगे। चचोड़ी ये है चचोड़ी और चावल। बहुत मस्त लग रहा है, खाते हुए भी देख लीजिए दिखाई दी क्या
क्या चीज़ डालें वो तो सब आप लोग को पता ही है। इधर देखिए ये भी खा रहे हैं, बंगाली डिश चचड़ी। यहाँ पर भी बनता है मिक्स वेज, मतलब मिक्स सब्जियाँ बनाई जाती हैं, बट इस तरह नहीं बनाई जाती, सरसों वरसों पीस के डाल के नहीं बनाई जाती। यहाँ ऐसे छौंक दिए, उसमें धनिया मिर्चा अदरक यही सब ज़्यादा डालते हैं, तो बनती वही चीज़ है, लेकिन बस वहाँ का ढंग अलग है, कलकत्ता का, बंगाल का, उड़ीसा का, तो वो सब जगह पर ये इस तरह डाल के थोड़ा सा मीठा डाल के जरूर स्वाद लाते हैं। कोस्ता सरसों का उपयोग बहुत होता है, इसलिए ये खाने का ढंग अलग हो जाता है। और ये गोभी का डंटल वंटल हमारे यहाँ भी यूज किया जाता है, यूपी में भी, पर जो मोटा मोटा डंटल होता है ना बीच का, वो निकाल के रसेदार सब्जी उब्जी में डाल देते हैं लोग, लेकिन इस तरह नहीं बनाते हैं, पूरा पत्ता वत्ता देके। और अभी तो ये प्योर चचड़ी नहीं है, इसमें पालक साग ये सब भी पड़ता है, पर मेरे पास जो चीज था उससे बनाएंगे। तो दोस्तों आप लोग भी लीजिए, ये देखिए इसमें पपीता भी है, लौकी भी है, हर चीज है। देखिए पपीता खाकर ये देखिए मूली, लंबी लंबी मूली डाली थी ना मैं, दिखाई थी आप लोग को, अच्छा देखिए पास से एकदम मजा आ जाएगा खाने में, मतलब बता नहीं सकते, टेस्ट खिला सकते हैं। ये सब कुछ हम अपने सास जी से सीखे हैं, और उनके हाथ की तो बात ही अलग थी, पर फिर भी कोशिश करके वहां तक पहुंचे हैं, बना पाते हैं ये जवाब देंगे पति देव कि हम कुछ भी उनकी तरह बना पाते हैं, तो मेरी कोशिश थी आज तक और बना पाती हूँ मैं, बंगाली भोजन बहुत बना लेती हूँ। बस इसमें सूखा लाल मिर्चा की कमी एहसास हो रही है, या हरा मिर्चे की कमी है, लेकिन बाकी टेस्ट बहुत अच्छा है, और बाकी हरा मिर्चा लाल मिर्चा पड़ जाए तो और टेस्ट इसका ज्यादा हो जाएगा। बस दोस्तों आप सब लोग भी लंच का आनंद लीजिए, और मेरे लंच अच्छा लगा हो मेरा लंच तो आप लोग भी बनाइएगा इस तरीके से, सारी सामग्री मैंने दिखाई दिया है। आपके पास और भी कोई सब्जी हो, बोड़ा हो, और भी कोई सब्जी जैसे पालक तो हो तो और अच्छा है, पर थोड़ा मात्रा में, ज़्यादा कोई चीज़ नहीं, पालक ढेर सारा नहीं तो बहुत अच्छा बनेगा। तो आज के लिए, अभी के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तो जय श्री राम, बाय।